जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यम योजना 2024 और 25 में जिस भी कैंडिडेट की नाम आई है उस कैंडिडेट के लिए जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आए तो उस लेके हम बात करेंगे, क्योंकि उनके आप 2 दिन ही बाकी हैं, आज के डेट और कल के डेट, यानी कि 19 सितंबर और 20 सितंबर। उनके पास 2 दिन टाइम है डॉक्यूमेंट अपलोड कर, जो भी कैंडिडेट अभी तक अपलोड नहीं किए तो उनको मैं ये वीडियो बनाकर बताना चाहता हूँ कि आप जाकर डॉक्यूमेंट अपना जो भी रिक्वायर किए वो अपलोड कर दिए। जिसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस भी कैंडिडेट के ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, वो डिटेल्स वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ड्राफ्ट लिस्ट वाले भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम लोग बात करें तो बिहार उद्यमी योजना 2023 सॉरी दोस्तों 2024 और 25 वाला, तो इसको प्रथम लिस्ट आपको 19 अगस्त को आया था। कंप्यूटर रेंडमाइजेशन द्वारा प्रथम लिस्ट जारी किया गया था, 19 अगस्त को प्रथम लिस्ट आया था। जिस भी कैंडिडेट को उसमें लिस्ट में नाम आया बाकी अब उन्हीं हुआ, बाकी उस दिन जो कैंडिडेट छट गए वो छट गए, उनके अभी इस उद्योग में यानी कि इस बार के सेशन में उनके कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर ले उनके लिए बस एक थोड़ी बहुत चांस रखती है, यानी कि जो भी कैंडिडेट 19 अगस्त को छटे तो उनके लिए 10% चांस है कि सिलेक्शन हो सकती है। कि जितने भी कैंडिडेट इस वाले ड्राफ्ट लिस्ट में छटेंगे उसमें जो कैंडिडेट बचेंगे वो उस दिन जो छटे थे उन्हीं में से लिया जाएगा, तो कह नहीं सकते उसका कोई काम नहीं है। तो उसमें 10% चांस है आपको दोबारा मौका मिलने के मिल सकती है। अब जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो ड्राफ्ट लिस्ट आने यानी कि फाइनल प्रथम लिस्ट आई थी, प्रोविजनल लिस्ट आई थी, तो प्रोविजनल लिस्ट अपने अपने जिला वाइज भेज दिया गया। अब जिला अपने स्क्रूटनी किया, यानी कि जिला वाइज आपको स्क्रूटनी हुआ, आपको अपने जिला में स्क्रूटनी हुआ। स्क्रूटनी में आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाता है। और डॉक्यूमेंट चेक कर 5 सितंबर को उसने अपना लिस्ट एक जारी कर दिया, उस लिस्ट में आपको फाइनल कर दिया कितने कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है, ये कैंडिडेट आपको उद्योग लगाने के लिए कम है। यानी कि 5 तारीख की लिस्ट में जो भी कैंडिडेट का नाम है उसको 100% पैसा मिलेगी, कन्फर्म हो गई उस दिन कन्फर्म हो। बाकी जो फाइनल लिस्ट में 19 तारीख को जो नाम आई थी उसमें से बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको 5 तारीख के नाम लिस्ट में नाम है, तो वो सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन थे कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों ना है, पहले लिस्ट में नाम था मुझे दूसरे लिस्ट आया तो उसमें नाम क्यों नहीं है। तो उनका लिए ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया, ड्राफ्ट लिस्ट 10 सितंबर को जारी किया था। 10 सितंबर को जिनका भी इस दिन नाम आया था इसमें नहीं आया था वो कैंडिडेट को अब यहाँ नाम आया ड्राफ्ट लिस्ट में, इनको क्या था डॉक्यूमेंट में कोई इशू था, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू था, यानी किसी का विजन प्रॉब्लम था तो किसी का सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था, किसी का रेसिडेंशियल अपलोड नहीं हुआ था, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ था, किसी का मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ था, तो जो भी सारे प्रॉब्लम थे वो ड्राफ्ट लिस्ट में बताया गया था 10 सितंबर के। इसके PDF आपको नीचे हम टेलीग्राम चैनल पर दे दिए, वहाँ से देखिए, नहीं तो डायरेक्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च करिएगा चैनल के नाम से ही वो भी मिल जाएगा। अब जो इसमें आए थे उनको मौका दिया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, डेट भी दिया गया, यानी कि 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2024 के बीच में उसको डेट दिया गया, इस डेट में जाके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके प्रॉब्लम है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए फिर आपकी। तो आज उसकी आखिरी से एक दिन पहले यानी कि 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन की ये टाइम है, 2 दिन में आप जाइए, अपलोड नहीं किए अभी तक तो कर दिए, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कर दिए तो कोई बात नहीं आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 20 सितंबर के बाद अब आपकी जारी होगी फाइनल, यानी कि 10 सितंबर के जो भी कैंडिडेट इसमें जो आए थे इनका फाइनल लिस्ट फिर जारी होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे कि दोबारा भी वो गलती करेंगे तो उस टाइम जो छटेंगे तो अब कोई मौका नहीं मिलेगा, ये आपकी आखिरी मौका है। इस बार आपको सक्सेस हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स आएगा ठीक है तो ठीक है, नहीं तो अगले बार आप ट्राई कीजिएगा फिर से। जितने भी कैंडिडेट छटेंगे, जितने ड्राफ्ट लिस्ट में जितने कैंडिडेट ऑलरेडी छट जाएंगे, जो 19 तारीख को जो कैंडिडेट छटे तो उनमें से किसी कैंडिडेट का स्क्रूटनी करके रेंडमाइजेशन द्वारा फिर से उनको मौका दिया जाएगा, तो वो अलग बात है। इस वीडियो में बात करेंगे ड्राफ्ट लिस्ट वाले, जो लास्ट डेट है आपको 20 सितंबर तक कर दीजिएगा, इसके बाद आप फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी यानी कि 5 सितंबर के जो भी लिस्ट में नाम है वो तो कन्फर्म है, वो तो कन्फर्म है, उनका आपको पैसा मिलेगी। अब 20 सितंबर के बाद जो एक लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जिनका भी नाम उनको पैसा मिले, इन सारे लोगों को अब होगी ट्रेनिंग होगी, यानी कि उन सारे लोगों की ट्रेनिंग कब तक होगी तो 200 सितंबर मान लीजिए 20 तारीख ख़त्म होगी, 25 सितंबर तक फाइनल डेट आएगी, तो मान लीजिए सितंबर में तो नहीं लेकिन ट्रेनिंग हाँ आपको अक्टूबर 2024 में कन्फर्म है, आपके अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो जाए ट्रेनिंग, आपको 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें आपको 2 मौका मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए, एक मौका आप गवा भी देते तो दूसरा मौका आपको दिया जाता है, तो दूसरा मौका हम आपको कर सकते हैं, और दोनों मौका आप गवा देते तो आप इस उद्योग में भाग लेने के यानी कि इस परियोजना भाग लेने के लिए आप काबिल नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जगह पर कई नए कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस योजना का लाभ वैसे भी नहीं लेना चाहते हैं वो अपना ट्रेनिंग आप सस्पेंड करिए, यानी कि ट्रेनिंग आप छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आपको आराम से इस योजना के लिए से नाम आपको हटा दिया, आपके बदले जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो उद्यमी योजना के लिए आपको बतानी थी, जो 10 लाख वाली योजना है जिसमें
5 लाख तक सब्सिडी मिलती है, 5 लाख आपको चुकानी होती है 84 किस्तों में, यानी कि 7 साल में चुकाना होता है, यानी कि जिसके लिए कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस हिसाब से मंथली कितना लगता है क्या लगता है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी फिर भी इस वीडियो में लेके कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कौन का जो रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी गई टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।